हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है कविता बनारसी किचन में। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा केजी के करीब मूली लिया है। इसको हमने छील करके अच्छे से साफ करके और इसको हमने धो लिया है। फिर इसके बाद हम एक प्लेट हम लेंगे और रेतनी है लिए, जितने हमने मूली लिए है एक एक करके हम रेत लेंगे उसी पर। फ्रेंड्स, मूली का पराठा जो है मूली को रेत के रही बनता है, इसीलिए इसको हम ध्यान से करेंगे ताकि जितने महीन हो सके मूली उतना महीन हम कर ले, ताकि पराठा बनाने में हमको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह से करके हमने मूली रेत लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अदरक लिया है, धनिया है, दो हरी मिर्च है, इसको भी हम बीच में से कट करके और एकदम बारीक इसको हम काट लेंगे मिर्चा को, जिसमें हम प्लेट में मूली लिए थे उसी में ही हम काट रहे हैं। फिर इसके बाद जो हम धनिया लिए थे वही हम काट लेंगे उसमें। मूली तो देख ही रहे हैं, मूली अच्छे तरीके से कद्दूकस हमने कर लिया है। इसी तरह से करके हम सारा एक प्लेट में ले लेंगे। अदरक भी हम रेत लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अदरक रेत के डालेंगे तो आटा में मोटा नहीं रहेगा, बारीक तरीके से एकदम रहता है, इसीलिए हम रेत रहे हैं इसको। देखिए, हमने तीनों अदरक, मूली, मिर्चा काट लिया है। ये हम आटा लिए हैं, आटा हमको जितना ज़रूरत है उतने हिसाब से हम लेंगे। ये हमने गेहूं का आटा लिया है और जो हम मूली लिए थे सारे सामान जो कट किए थे उसी में हम आटा को भी डालेंगे, गेहूँ का आटा है। फिर इसके बाद हम 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे, 1/2 टीस्पून हमने और अजवाइन ले लिए थे। फिर इसके बाद हम नमक डालेंगे, नमक हमने 2 चम्मच के करीब डाले हैं। और ये है जीरा 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने तेल का इस्तेमाल सरसों का ही किया है, आप चाहे तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने सरसों का इस्तेमाल किया है क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए और पराठा भी बहुत सॉफ्ट होता है। फिर इसके बाद हम सारे आटा और मूली को जो है हाथों से, दोनों हाथ से हम मस लेंगे, क्योंकि मूली जो है पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, इसीलिए पहले हम आटा को अच्छे से मसल करके ताकि आटा और मूली एक में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम थोड़े से पानी का, देखिए हमने थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है, हमने बस थोड़े से ही का पानी इस्तेमाल करके फिर इसके बाद हम इसको आटा को गूंथेंगे, क्योंकि मूली बहुत पानी छोड़ता है, इसीलिए बस हम थोड़े से ही पानी का इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह से करके हमको परफेक्ट डो तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आटा थोड़ा बहुत गीला रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसी तरह से ही पराठा मूली का तैयार होगा अच्छे तरीके से। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक रख देंगे ढक करके। फिर इसके बाद हम इसी तरह करके अब हम पराठा को तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हम आटा ले लिए हैं एक प्लेट में और सूखा आटा भी लिए हैं। अब हम छोटे छोटे लोई को कट करेंगे, हाथ को इसी तरह हाथ पे रख करके हम छोटे छोटे लोई तैयार करेंगे और ऐसे ही आटा लपेट करके हम चकले बेलने पर रख करके हम छोटे छोटे पराठा को तैयार करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, पराठा जो है वो बहुत बड़ा मत करिएगा, क्योंकि ऐसे टूटने का भी डर रहता है, इसीलिए हम छोटे छोटे ही पराठा को तैयार करेंगे। इसी तरह से करके हमने पराठा का बेल लिया है। फिर इसके बाद हम इसी तरह से करके हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। ऐसे ही करके हम सारा पराठा इसी तरह से बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे से पराठा तैयार हो रहा है, एकदम अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हम गैस पे तवा रख दिए हैं, तवा भी गर्म हो चुका है, जो हमने पराठा बनाए थे वही हम तवा पर डाल के सेकेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसको हम पलटेंगे एक बार, ऊपर से हम सरसों का तेल लगाएंगे। आप चाहे तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तो सरसों के ही तेल में इस्तेमाल कर रहे हैं।
सरसों का तेल से और स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं मूली के पराठा में। इसी तरह से करके हमको पराठा पलट करके अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मूली का पराठा मेरा तैयार हो चुका है। हम अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से करके हम दूसरा पराठा भी तवा पर डाल देंगे और इसको भी उसी तरह से करके हम पका लेते हैं। इसी तरह से करके हम पराठा को पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये मूली का पराठा हमारे शरीर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, इसीलिए आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करा करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे पराठा को भी तेल से लगा करके इसको भी हम पलट के इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह से हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, उसी में हम पराठा को रखेंगे। दोनों हमने पराठा को रख दिया और मूली का पराठा ये मेरा तैयार हो चुका है। हमने थोड़े से प्याज लिए हैं, नींबू है, ये मिर्ची का अचार है और हम दही लेंगे। फ्रेंड्स, दही मेरा सादा दही है, इसको हम चाट मसाला के साथ सर्व करेंगे। ये थोड़े से हमने चाट मसाला डाल दिए हैं, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर है, हमने धनिया से गार्निश भी कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मूली के पराठा की रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी है।